नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और गांव में आने से पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं गांव में जाने के बाद अपने व्लॉग्स कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन मैं नहीं रख पाई क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चला। मायके भी घूम आए और यहाँ ससुराल में भी आए हैं गांव में, तो टाइम का पता ही नहीं चला बच्चों ने। और हमने खूब इंजॉय किया गांव में आने के बाद। और फाइनली आज हमारी हो गई है गांव से नोएडा जाने की तैयारी, तो ये हम निकल लिए हैं नोएडा के लिए। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वैसे तो गाड़ी में एसी भी चल रहा था लेकिन बाहर बहुत तेज़ धूप थी, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखें, यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे हो गए हमें गाड़ी में, मैं सोकर उठ गई हूँ। हम सब सो गए थे और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और ये देखिए बाहर का व्यू, जब हम निकले घर से तब तो बहुत तेज़ धूप थी और अभी हो गए हैं बादल, तो बादलों की वजह से थोड़ी ठंड हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश होगी, लेकिन बारिश कुछ नहीं हुई है, ऐसे ही बादल होकर निकल गए। लेकिन मौसम अच्छा हो गया था यहाँ पर आने के बाद। का काम तो हो ही जाता है, साफ सफाई का घर की, और साथ में कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैं कुछ आज धोऊंगी और कुछ जो है धोऊंगी कल, क्योंकि सारे एक साथ तो नहीं धुल पाऊंगी, क्योंकि एक तो तबीयत भी ऐसी ही चल रही है और जो है घर की साफ सफाई भी करनी है। कुछ तो मैंने शाम के टाइम आए थे उसके बाद की थी, किचन क्लीनिंग की थी बस, और अब जो है बाकी पूरे घर की भी साफ सफाई करनी है। और कुछ कपड़े मैं मशीन से धोऊंगी और कुछ जो नए कपड़े।
बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये देखिए, ये है शाम का टाइम, मैं बना रही हूँ डिनर। आज मैंने बनाई है कढ़ी और चावल बनाऊंगी मैं। चावल के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और ये ले लिए है चावल, और मैं अब इनको साफ़ करूंगी। और ये देखिए, दाल में भी छोटे छोटे कीड़े से हो गए हैं, तो मैं अभी ये दाल मैंने प्लेट में निकाल कर रख दी थी दिन में, तो ये साफ़ नहीं हुए हैं। तो पहले मैं चावलों को साफ़ करके चावल बना लूँगी, उसके बाद जो है दाल को साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम, छुट्टियों के बाद बच्चों का आज पहला दिन है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे। मैं इनको यहाँ पर ड्रेस निकाल कर दे रही थी, तो बच्चे नहा लेंगे, खुद से तैयार हो लेंगे, तो मैं तब तक इनके लिए लंच तैयार कर देती हूँ। और मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को भी तैयार करना है, लंच भी बना कर देना है। एक तो आज पहला दिन है, बस ये आगे से तो फिर वही है, डेली रूटीन सेट हो जाएगा तो इतना पता नहीं चलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए हैं, उसके बाद इनका बैग भी चेक करना है। वैसे तो मैंने कल तैयार कर दिया था इनका बैग, पर वही है, बच्चों का बार बार निकालते रहते हैं, रखते रहते हैं, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है मुझे खाना भी बनाना है। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रख दिया है, आज मैं बनाऊँगी प्याज के पराँठे। तो बस मैं फटाफट से बच्चों के लिए लंच तैयार कर देती हूँ। और ये देखें, यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद इनको भी ऑफिस जाना था, तो इनको भी लंच बना कर दिया। उसके बाद जो है मैं डेली रूटीन के जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह, वो की है मैंने। उसके बाद फिर जो कपड़े रह गए थे मेरे, कुछ कपड़े मैंने कल धोए थे और कुछ बच गए थे और कुछ आज के हो गए हैं, तो बस मैं अभी कपड़ों में लग गई हूँ। कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, और आज का मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बादल से हो रही है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बादल हो रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी बहुत हवा चलती है तो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, क्योंकि अगर थोड़ी भी हवा चलती है तो हमारी बालकनी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा घुटन सी हुई रहती है और बालकनी में अच्छा लगता है। और आज जो है बालकनी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इससे अच्छा तो अंदर लग रहा है, अंदर कम से कम फैन वगैरह चला लेते हैं तो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।